अयोध्या क्यों कह रहा है थैंक्स योगी जी। राम भक्तों की जुबा पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ही बात क्यों है? सब क्यों कह रहे हैं महादेव के भक्त योगी, महादेव के आराध्य राम नाम के साथ हैं। अयोध्या को संवारने की शुरुआत है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने राम के नाम की ताकत से निकले प्रकाश का एहसास दुनिया को करा दिया है। बताया, राम ही तो सृष्टि है, राम ही तो सर्वत्र है, राम ही तो अनंत है, राम ही तो पंच तत्व है, राम ही वायु गगन धरा जल और अग्नि है, राम ही प्रेत है, राम ही तो उल्लास है, राम ही तो कर्म है, राम ही तो मर्म है, राम ही तो सत्य है। योगी ने देश दुनिया से प्रेम से कहा, राम को महसूस करना है तो अयोध्या आइए ना। योगी सरकार के 5.5 साल में रामनगरी अयोध्या का स्वरूप बिल्कुल ही बदल गया। अयोध्या भव्य दिख रहा है, लेकिन उसमें आडंबर नहीं, एक असीम सी शांति का एहसास महसूस होता है। आखिर ऐसा हो भी क्यों ना, भगवान राम जो यहाँ विराजमान है, यहाँ के साधु संत, यहाँ के लोग, हर किसी की जुबा पर राम नाम का जाप है। राम नाम की ध्वनि जब निकलती है तो भव्यता में भी सादगी महसूस होती है, दिल को वो सुकून देता है। अयोध्या के दीपोत्सव के क्या कहने, इस दीपोत्सव को सीएम योगी ने भगवान राम के प्रति अपनी आस्था के साथ शुरू किया, जो अब दुनिया को प्रकाश दे रहा है। दीपोत्सव ने दुनिया के सामने अयोध्या को किस तरीके से पेश किया बताएंगे, लेकिन सबसे पहले जान लीजिए अयोध्या और गोरखपुर के एक बड़े कनेक्शन की। गोरखपुर में मौजूद गोरक्षपीठ का अयोध्या से पुराना और गहरा रिश्ता रहा है। हाल के 100 सालों के दौरान राम मंदिर को लेकर जो भी आंदोलन हुआ, उसमें प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के दादा गुरु ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ से लेकर उनके गुरु ब्रह्मलीन महंत अवैद्यनाथ केंद्रीय भूमिका में रहे। ब्रह्मलीन महंत अवैद्यनाथ तो राम मंदिर आंदोलन के लिए गठित 2 शीर्ष समितियों के पदाधिकारी भी थे। वो श्री राम जन्मभूमि यज्ञ समिति के आजीवन अध्यक्ष और श्री राम जन्मभूमि न्याय के शीर्ष पदाधिकारी रहे। मार्च 2017 में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के बाद भी योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या से पीठ और अपने इस लगाव को बनाए रखा। यही वजह है कि योगी के सीएम बनने के बाद साल दर साल और अयोध्या खास होती गई। इसी क्रम में उनकी पहल से दीपावली से एक दिन पहले अयोध्या में दीपोत्सव की शुरुआत की गई। माना जाता है कि भगवान राम के वनवास से अयोध्या वापस आने पर वहां के लोगों ने खुशी में अपने घरों में दीपक जलाए। त्रेता युग की उसी याद को ताजा करने के लिए दीपोत्सव की शुरुआत की गई। इस मौके पर सरयू की भव्य आरती के अलावा पूरे अयोध्या मंदिरों, मठों, घाटों, सड़कों, चौराहों, सार्वजनिक स्थानों की साज सज्जा के साथ लाइटिंग, म्यूजिकल लेजर शो, म्यूजिकल ग्रीन फायर क्रैकर शो और दियों से जगमग होती है। अयोध्या में के दाहिने और राम की पैड़ी पर लाखों दियों का एक साथ जलते देखना तो खुद में अभूतपूर्व होता है। सरयू के जल में पड़ता इनका प्रतिबिंब देख यही लगता है मानो आसमान के सभी चांद सितारे भी अपने राम के वनवास से आने की खुशी में अयोध्या ही आ गए हों। दीपोत्सव के नाते अयोध्या की देश दुनिया में जबरदस्त ब्रांडिंग हुई। हर साल दीप प्रज्वलन का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। वैश्विक महामारी कोरोना को अपवाद मान ले तो अयोध्या आने वाले देशी विदेशी पर्यटकों और श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ी। 2017 के पहले दीपोत्सव के दौरान वहां सरयू के घाटों पर जलने वाले दीयों की संख्या 1,71,000 थी। इस साल 15 लाख दीप जलाने के साथ सीएम के 5.5 साल के शासन में अयोध्या अपना ही रिकॉर्ड तोड़ रहा है। 2022 में अब अयोध्या आने वाले पर्यटकों की तादाद 2.5 करोड़ से ज्यादा है, ये खुद में एक रिकॉर्ड है। तो ऐसे में अयोध्या के लोग क्यों ना कहें थैंक्स योगी जी, आपने हम अयोध्या वासियों के लिए वो किया जो अब तक भगवान राम के सिवाय किसी ने नहीं किया। राम भक्तों की जुबा पर राम नाम का जाप है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए शुक्रिया।